मेरा ब्याह बछना होया वा, मैं पंजाबी हां तो डोगरी है, हो गए संगम के नहीं। पार्टी का बहुत वधिया कि सवा क्यों नहीं दे के आए, इदा का साथी मैनू मिले आना खुश है ना इस गल च। प्रोग्राम मेरा अज जलंधर का सी, महाजन सभा का, नरेंद्र जी का आदेश होया तीन चार दिन पहले, तो उत्थे भी मैं कहा नहीं कि मैं जम्मू जाना है। उन्होंने मैं अज सवेरे कहा कि भाई मैनू जम्मू जाना पैना, पार्टी का आदेश है। अपनी जगह तो अपनी वाइफ नूं भेजिया, डोगरी उत्थे बोलदी पई है। मैं तुहाडे कोल पंजाबी बोलदा पिया, मैं एक पार्टी का बहुत ही साधारण कार्यकर्ता, जीवन पर्यंत कभी किसी अहुदे मगर नहीं दौड़िया, तो ना कभी किसी नूं कहा भी मैनू अहुदा चाहिए। लेकिन अज जो असीं बदल देख रहे हैं, दौड़ अहुदिया वास्ते ले, सेवा वास्ते घट ते अहुदिया वास्ते। मेरी इसलिए 75 साल की उम्र हो गई है, कह सकता मैनू कि मेरे 75 साल मैं हो गया। जिस वेले मैनू नरेंद्र नैना जी ने पास किया भी टिकट तुहानू लुआनी है कि चुनाव की, पंजाब के चुनावों, उस वेले संसदीय बोर्ड के सामने बैठे एक प्रश्न आया साथियों ने, क्या वे 76 साल के हो गए, 77 साल के हो गए, लेकिन जेडे सर्वे सी पंजाब दे, ओ सर्वे कहते कि अगर बीजेपी नू टिकट कोई एक नंबर से मिलनी तो मुकेरिया की मिलनी। उन्हों देखते हुए संसदीय बोर्ड ने कहा कि शिकायतें यह आई है, मेरा आधार कार्ड मंगवाया गया वो देख के फिर मैं टिकट दिया। मैनू इस गल का भी फखर है, जम्मू और कश्मीर साढ़े हिंदुस्तान का ताज मस्तक है, साढ़ा साडे मैनीफेस्टो च जदों तो जनसंघ बनिया मैनीफेस्टो च ही रहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कदों बनिया, जदों 370 दफा टुटी तुसीं मोदी जी नूं प्रधानमंत्री बनाया, तद अभिन्न अंग बने। उहदा अर्थ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, अर्थ उदों बने। नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे दे तो असी संघ च मेरे ख्याल 6-7 साल का होवे जो जाना शुरू किया, यही उत्थे सिखाया जाता सी राष्ट्रीयता, देश नूं सर्वोपरि किदां बनाउणा। उस जगत च असीं चले, दूसरे पासे होर भी मैनू गर्व की गल है, अखिल भारतीय श्रो महाजन श्रोमणी सभा का मैं ऑल इंडिया का प्रधान, रजिस्टर ऑफिस साडा दिल्ली या मालवीय नगर, उहदे विच जिहड़ा मैं समझदा कि महाजन सभा की स्थापना भी जम्मू दे विच लाला हंसराज जी उन्होंने पहले डोगरा सभा बनाई, जिहड़ा डोगरी ना लिखा ना, सब तो पहले डोगरा सभा उन्होंने बनाई।
उस वेले देश एक सी, 47 दे बाद दो हो गए, लेकिन सभा उन्होंने 47 तो पहले बना ली। मेरे वास्ते सौभाग्य की गल है ना, उस लड़ी दे विच मैं भी आ गया, किड्डी वड्डी गल। वो इसे करके आया कि जीवन दे विच सेवा नू ही सब कुछ समझिया। दूसरे पासे तुहाडे इस जम्मू कश्मीर दे सब तो पहले प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद जी, चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन जी रहे, इस विच भी सानू गौरव प्राप्त। इत्थे बच्चियां ने पहले तुहाडे जम्मू दे बच्चियां ने गिद्दा पेश किया, पंजाब दे बच्चियां ने भंगड़ा ते गिद्दा मिक्स किया, भंगड़ा भी उहदे विच सी ते गिद्दा भी उहदे विच, एक हो गया कि नहीं। इसे वास्ते इकट्ठे होए हैं। जे जम्मू ते कश्मीर दे खाने दे विच राजमा ते चौल मशहूर है ना, ते पंजाब दे विच ढोडा ते साग मशहूर है, ढोडा साग इधर भी चलता, ढोडा साग उधर भी चलता, राजमा उधर, अज मैं लै लिया राजमा, मैं चलिया गड्डी रख ले, मैं जो भी राजमा लिजाना 50 किलो तोड़े ही लिजाना, हिसाब ला लो कि राजमा खाते हो। वो इस करके जा राजमा ज्यादा बनते हैं कि साढ़े घर की पालक डोगरी। संस्कृति जिहड़ी साडी बदली गई जदों 47 दे बाद एक देश दी बजाय दो देश बन गए, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। इत्थे कहा गया कि इतिहास साडा बदलिया गया। क्यों बदलिया गया? असी अवेयर नहीं रहे अपने इतिहास बारे, जो सानू को गलत मलत पढ़ाया गया असी पढ़ते गए। आजादी के बाद जेड़े लोग सत्ता च बैठे वो सत्ताधीशां ने इतिहास मार्क्सवादियों के हाथ च दे दिता, कम्युनिस्टां के हाथ च दे दिता। इस करके इतिहास कांग्रेस वालियां ने नोट बनाए, राज कीते, गद्दियां ते बैठे, लेकिन इतिहास बदल दा जुमा उन्होंने मार्क्सवादियों ने। और मुगलां नूं साबित करता कि साडे हिंदुस्तान के मालक मुगल ही सी। राजा हरि सिंह जी दा इतिहास नहीं बदलिया, हुण पुराना इतिहास निकल रहा ना, यही सानू सुनाया गया, असी भी यही पढ़ते रहे, यही सुनते रहे कि महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान च शामिल होने तो इनकार कर दिता सी, लेकिन उन्हें इतिहास निकल गया, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने पहले ही साइन कर दिते हिंदुस्तान च मिले, उन्होंने लोगों ने इतिहास पढ़। लेकिन असी सौभाग्यशाली हाँ, असी तुसी सारे ही सानू देश दा आगू नरेंद्र भाई मोदी नू बनाने दे बाद इतिहास मुड़ के पिछा मोड़ ले, पुराना इतिहास मुड़ के आ रहा। मैं तुहानू गल इक दसदा, अन्ना हजारे दा अंदोलन तुसी देखिया कदों होया? दिल्ली दे विच। उस तो पहले की गल है, मैं आंध्र प्रदेश च ट्रेन च जा रहा सी, वरंगल जाना सी, मैं कारोबार सी मेरा माड़ा मोटा उत्थे, ते ट्रेन दिन दी सी, ते दिन दा सफर जेड़ा है ना बड़ा थकण वाला हुंदा है। वो मैं स्टेशन ते गड्डी रुकी, मैं उत्थों जाके रसाला जिहा लै लिया। उस रसाले दे विच कहानी एक पढ़ी, पढ़ ली
तरसाला गया आया बस खत्म हो गया कहानियां पढ़ी है पढ़ लिया। लेकिन जिस वेले अन्ना हजारे का अंदोलन चलिया ते केजरीवाल अगे आया ना मेरा मथा दिमाग खड़किया कि यार 7-8 साल पहले मैं एक रसाला रहा सी उहदे विच लिखिया सी कि केजरीवाल दे नां दा एक व्यक्ति नवे तरह का मार्क्सवाद लियाण वास्ते तैयार किया जाए। कौन तैयार कर रहा सी? विदेशी। मैं आप मिती सुनाना आ चनाबा तो पहले 2-3 महीने पहले मेरे को आम आदमी पार्टी के बंदे आ गए। 2019 विच भी मकेरिया दे विच 22 इलेक्शन होया सी उदो भी मैनू टिकट मिली सी ते मैं 3440 वोटा ते हार गया सी क्योंकि सरकार उत्थे कांग्रेस दी सी। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन साडे पूरे लाए क्योंकि CID दी रिपोर्टा सी कि ए सीट जिहड़ी आ BJP जित रही। 2 दिन उन्हें लाए असी हार गए 3440 वोटा। ओ आम आदमी पार्टी दे दिल्लीओ 2 डेपुटेशन मेरे कोल वख वख टाइम ते आए। पहले आए तो मैनू कहन लगे जी असी तुहानू टिकट देनी है जनाब तुसी आम आदमी पार्टी ला आम आदमी पार्टी सरकार बना रही जे कर रही वो कर रही। मैं कहा भाई मेरा मन तो है नहीं हजे किस पासे जाण तोड़ता। 8 दिन बाद फिर आ नौजवान मुंडा सी एक दिल्ली का मैनू कह लगा अंकल जी गल इदा है कि तुहानू असी MLA बनया देखना चाहते। मैं कह तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी जेड़ा तू मेरा इन्ना सोच रहा कभी भी गल मूह फट गया कर ले दिल च कदी रखी दी। मैं कहा भी दसो मेरी थोड़ी कोई रिश्तेदारी है जो तुम मेरा इन्ना सोच रहे? कहते नहीं साड़ी पार्टी ने प्राइवेट तौर पर 3 सर्वे कराए है तो सर्वे दे विच आ रहा कि जंगी लाल महाजन ही जित रहा। मैं कहा भाई साहब तुसी नरेंद्र अपने तुसी कहते भी असी केजरीवाल के खास है उसकी कैबिनेट किचन कैबिनेट च। मैं किन्ना जानते हो तुसी उन्होंने? कहते जी बहुत लागे तो जानते हैं। मैं कहा एजुकेशन की है उसकी? कहते जी IRS अफसर है एजुकेशन पूछने का की मतलब है? मैं यार मैं किताबी पढ़ाई की गल नहीं करता मैं दिमागी पढ़ाई वाली दस दिमागी पढ़ाई कह दी। कहते कि दिमागी पढ़ाई होंगी? कह लगे जे तुहानू पता तुसीं दस दो। मैं कहा ओदी एजुकेशन हैगी मार्क्सवाद। मैं कहा मैं रसाला इदा तो एक पढ़िया सी उहदे च लिखिया सी केजरीवाल दे नां दा एक व्यक्ति नवे तरह का मार्क्सवाद हिंदुस्तान च लियाण लई तैयार किया जाए। तो मैं तुसीं कहिंदे हो मैं उहनूं लागे तो जाणदे तुहानूं इन्ना पता ही नहीं जाणदे कि वह कहते अच्छा जी पता कर लागे तो तेरा। मैं गल सुन मैं है सनातनी हूं जो जमे सनातन पूजे तुम कहते हो कि हां भी साड़ी पार्टी ने तुम MLA बना दिया। मैं क्या जे मेरे भागा च MLA बनना लिखिया तो मैं BJP बन जाना जे नहीं लिखा तो थोड़े को आके भी बन हो। मेरा कहने का भाव थोड़े को इसे करके है कि इन्हों लोगों को अगर असी बचांगे तो साडा समाज सुरक्षित रहे देश दीआं जड़ां दे नाल जुड़िया रहेगा। जे असी कितने लालच में आके इधर उधर हो गए तो साडियां पीढ़ियां सानूं कहणगियां कि साडे बजुर्गों ने की किया। सो मैं अज इत्थे जिन्ने भी कलाकारां ने अपना
प्रदर्शन किया तो दसिया उन्होंने भी सारी बधाई देना और मंच के संचालक इस काम के इंचार्ज सेठी साहब ने बहुत बहुत बधाई देना और पंजाबी